Hello everyone and a very warm welcome to my YouTube channel. Guys, agriculture current affairs discuss कर रहे हैं. All right, and already आपके पास चार videos इसके आ चुके हैं. This is the fifth video. चलते रहेंगे छोटे छोटे videos इसी तरीके से, ताकि holistically current affairs को हम cover कर पाएं. देखो, current affairs का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो news में आ गया उसको करना है, ठीक है, या जो सिर्फ news है उसको cover करना है, I mean to say. ठीक है, जो न्यूज से रिलेटेड आजू बाजू की चीजें हैं वो भी पता होनी जरूरी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आई विल बी शोइंग यू सम सैम्पल क्वेश्चंस ऑन रामसर साइट्स, कि रामसर साइट्स के ऊपर आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं. न्यूज में क्यों था? क्योंकि आप जानते हो कि हर साल इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, और इसी दिन दो और नई साइट्स ऐसी थी जिनको इंडिया में से रामसर साइट्स के अंदर ऐड किया गया था. और इंडिया अब साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर साइट्स हैं रामसर के अंदर, तो वो इंडिया में है, साउथ एशिया में. ओके, सो लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चन एंड देन आई विल बी आल्सो शोइंग यू ऑल द रामसर साइट्स अलोंग विद द स्टेट्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, खजेडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द स्टेट ऑफ. ये खजेडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेटेस्ट रामसर साइट के फॉर्म में ऐड किया गया था अभी 2022 के अंदर ही. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, कौन सी स्टेट के अंदर है? देखो, यहाँ पर तुक्के लगाने का स्कोप बहुत लो है, ठीक है, या तो आता है या नहीं आता. सो द राइट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन सी, गुजरात. ठीक है, गुजरात जो है यहाँ पर सही जवाब होगा. एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. अभी प्रेजेंटली आपके कितने, अच्छा अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लूँ प्रेजेंटली कि कितने आपके रामसर साइट्स हैं, जब ये वीडियो आपका अपलोड हो रहा है तो उस टाइम पर आपके रामसर साइट्स कितने हैं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन में दे दूं, भाई 45 हैं, 42 हैं, 49 हैं, 52 हैं, नन ऑफ दी अबव, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, 49 साइट्स हैं आपकी अभी एज ऑफ फेब्रवरी 2022, आपकी 49 साइट्स थी. ऑलराइट, तो एक तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है. आपसे ये 49 साइट्स में से कोई भी एक साइट दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सी स्टेट के अंदर है, जैसे खजेडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया, तो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए 49 की 49, कौन सी किस स्टेट के अंदर है. और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एरिया, सबसे बड़ा एरिया किस साइट का है. ये एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया. मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सेमी टाइप ऑफ क्वेश्चन कराता जाऊँ कि ये वाला कौन सी स्टेट में है, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, वो तो मैं आपको भी एक बार में दिखा दूंगा सारा, फिर वो आपके ऊपर याद करना है. यहाँ पर मेरा मेन मोटिव है कि आपको टाइप पता चले कि हाँ यार, इस स्टाइल से क्वेश्चन आ सकता है. तो सबसे बड़ा एरिया में रामसर वेटलैंड साइट कौन सा है? ऑप्शन ए कोलेरू, बी चिलिका, सी सुंदरबंस, डी बुलार, ई नन ऑफ द अबव. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबंस. सुंदरबंस का सबसे बड़ा एरिया है, अभी वो भी हम देखेंगे. एरिया का साइज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट याद रख लीजिएगा. सिमिलरली स्मॉलेस्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा था, सिमिलरली यहाँ पर क्या आ गया कि स्मॉलेस्ट कौन सा है. तो स्मॉलेस्ट कौन सी स्टेट के अंदर, कौन से वाला वेटलैंड है? स्मॉलेस्ट वेटलैंड है बेटा आपका ऑप्शन ए, रेणुका. ठीक है, रेणुका. अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ ना, देखो ये तो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिल रहा है, ठीक है ना, तो मैं तो कंटिन्यूअसली चलता रहता हूँ, लेकिन आपका काम है कि क्वेश्चन सामने आए तो एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश करें, और फिर देखें कि क्या आप उसको आंसर कर पाए या नहीं कर पाए, किया अगर आपने आंसर तो क्या गलत किया या सही किया, तभी इंप्रूवमेंट आएगा. चौथा क्वेश्चन देखो कि कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं इंडिया में? ए पंजाब, बी यूपी, सी एमपी, डी राजस्थान, या ई नन ऑफ दी अबव. तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश. यूपी के अंदर सबसे ज्यादा आपके रामसर साइट्स आपको मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहां पर रामसर साइट है? ठीक है, वेटलैंड्स तो सब में है, लेकिन रामसर साइट कौन सी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, मेनली आपके सेवन सिस्टर्स में? तो मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, या फिर बोथ सी एंड डी. नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ दो स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर आपके रामसर साइट्स हैं, और वो है आपकी असम और त्रिपुरा. सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई, बोथ सी एंड डी. अब फटाफट से रामसर साइट्स के ऊपर आते हैं. देखो जी, अब सबसे पहले तो ये आपकी रामसर साइट्स हैं. आंध्र प्रदेश के अंदर बेटा सिर्फ एक रामसर रामसर साइट है, और वो है कोलेरू लेक. कोलेरू लेक, ठीक है, कोलेरू लेक 2002 में इसको बेसिकली रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था. पर आपको ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन याद नहीं करनी है बेटा, ठीक है. दीपोर बिल असम के अंदर भी एक ही है, दीपोर बिल. बिहार के अंदर भी एक ही है आपकी कबरताल वेटलैंड, और ये 2020 के अंदर ही, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 के अंदर ही इसको डिक्लेयर किया गया था.
खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है गुजरात के अंदर, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात के अंदर, थोर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर, वधवाना वेटलैंड गुजरात के अंदर। तो टोटल गुजरात में चार हैं, खिजड़िया, नाल सरोवर, थोल एंड वधवाना। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड। ये एक है या दो बार, तीन बार, चार बार इसको रिवाइज करोगे तब जा करके याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा। हरियाणा के अंदर बेटा दो हैं, बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के अंदर बेटा तीन है, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक और रेणुका वेटलैंड। चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक और रेणुका वेटलैंड हिमाचल के अंदर तीन है। उसके बाद आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग यूटीज हैं। तो जे एंड के अंदर चार है, उसमें आपका वुलार आ जाएगा, हॉकेरा आ जाएगा, सुरिनसर मनसर आ जाएगा और सो मोरिरी आ जाएगा। केरला के अंदर आपके तीन है बेटा, अष्टमुडी, सस्थकमोटा एंड वेम्बनाथ कोल वेटलैंड। लद्दाख के अंदर आपका एक है, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश के अंदर एक है, भोज। महाराष्ट्र के अंदर दो हैं, लोनार और नंदूर माधमेश्वर ठीक है जी। मणिपुर के अंदर आपका लोकटक लेक है बेटा, मणिपुर के अंदर लोकटक लेक है। उड़ीसा के अंदर भितरकनिका मैंग्रोव्स है। अच्छा, तुम्हारे टीचर्स ने फिर गलत क्वेश्चन एक फ्रेम कर दिया है क्योंकि मणिपुर के अंदर भी है, ये मेरे दिमाग से स्किप कर गया जब मैंने आपका क्वेश्चन फ्रेम किया। तो ये वाला क्वेश्चन ना, यहाँ पर आपका मणिपुर भी आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं इनवैलिडेट कर देता हूँ बेटा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या तो ऑप्शन में होना चाहिए था बी सी डी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तीन स्टेट्स हो गई, ये लोकटक लेक वाला मेरे माइंड से स्किप कर गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम हो गया ठीक है, तो तीन हो गई बेटा, तीन हो गई, दो नहीं है तीन है ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और असम ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलो ओके, उसके बाद उड़ीसा के अंदर दो हैं, भितरकनिका और चिलिका लेक। पंजाब के अंदर आपके बेटा पांच हैं, हरिके, कंजली, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपड़ लेक। राजस्थान के अंदर आपके दो हैं, क्योलेडियो और सांभर लेक ओके। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर आपका पॉइंट कैलिमर है, त्रिपुरा के अंदर रुद्र सागर, यूपी के अंदर देखो सबसे ज्यादा है, यूपी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके यूपी के अंदर हैं ठीक है जी। सबसे ज्यादा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समाम बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संधि बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील, सुर सरोवर एंड अपर गंगा रिवर, ये आपके यूपी के अंदर हैं जो आपके रामसर साइट्स हैं ठीक है जी। ये याद करने पड़ेंगे बेटा सारे के सारे ऑलराइट। उसके बाद फाइनली आपका उत्तराखंड के अंदर एक है, असन कंजर्वेशन रिजर्व, वेस्ट बंगाल के अंदर दो हैं, ईस्ट कोलकाता और सुंदरबंस। और यहां पर आपका साइड में एरिया गिवन है, तो अगर आप एरिया को ध्यान से देखोगे ना, एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा एरिया आपको सुंदरबंस के अंदर ही मिलेगा, 4230, इससे ज्यादा एरिया किसी के पास नहीं है ठीक है। सिमिलरली अगर आप सबसे कम एरिया देखोगे तो सबसे कम एरिया आपको कहाँ पर मिलेगा, सबसे कम एरिया कहाँ पर मिलेगा आपको बेटा, रेणुका के अंदर मिलेगा, सिर्फ 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं रामसर साइट्स में से, इनको याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर इजीली मिली जाएगी ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स जो है हम देखते रहेंगे। कमेंट जरूर करें बेटा, सेशन को शेयर करें, लाइक करें ठीक है, बहुत ज़रूरत है अभी आप लोगों के मोटिवेशन की। अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मैं पहले भी ये बात बोलता हूँ कि अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सिर्फ मुझसे नहीं किसी भी और टीचर से पढ़ने में मज़ा आ रहा है और वो YouTube पर या कहीं पर पढ़ा रहा है, तो उसको एनकरेज ज़रूर करें ठीक है, तभी वो जो टीचर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वो ऊपर उठ करके आ पाएंगे, जो आपको फर्दर फिर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।